भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल तक भीषण लू जारी रहेगी। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 17 अप्रैल तक बारिश का दौर शुरू रहेगा। वहीं मौसम की जानकारी देते हुए IMD ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में नरज और बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 से 17 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में बारिश होने के आसार भी हैं। 17 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज और बिजली चमकने के साथ मध्य बारिश होगी। अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज और चमक के साथ छिटपुट बारिश भी होगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 15 से 17 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। 17 अप्रैल को कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 से 19 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। 15 से 18 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में लू चल सकती है। 16 से 18 अप्रैल के दौरान जम्मू के कई क्षेत्रों पर गर्म हवाएं चलेगी। वहीं 17 से 19 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही 15 से 16 अप्रैल के दौरान बिहार, सौराष्ट्र, कच्छ में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 17 से 19 अप्रैल के दौरान राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, 17 से और 18 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भीषण गर्मी की स्थिति होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।